एसीपी नेटवर्क में मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं आज का कार्यक्रम षष्ठी पूजन। पूर्वांचलियों की आस्था का प्रतीक छठ महोत्सव नहाए खाए के साथ सोमवार से आरंभ हो चुका है। पूर्वांचलियों के इस त्योहार को इस्लाम धर्म समेत अन्य लोग भी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। यह त्योहार बिहार तक सीमित नहीं बल्कि झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में भी ये त्योहार मनाया जाता है। छठ पूजा बिहार का सबसे बड़ा पर्व है और यह पर्व बिहार में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये एकमात्र ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और ये बिहार की अब संस्कृति भी बन चुका है। इस त्योहार की एक खासियत ये भी है कि इसमें किसी भी प्रकार की मूर्ति की पूजा शामिल नहीं होती। यह विशेषकर सूर्य, उषा, प्रकृति, जलवायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित होती है। बड़ी संख्या में भक्त घाट पर जाकर सूर्य देव की पूजा कर उन्हें अर्घ समर्पित करते हैं और चार दिन का यह त्योहार बहुत ही मुश्किल माना जाता है। छठ पूजा चार दिन का होता है जिसमें पहला दिन नहाए खाए का होता है और इस दिन महिलाएं घर की साफ सफाई करती हैं और उसके बाद स्नान करने के बाद शुद्ध भोजन से अपने व्रत की शुरुआत करती हैं। पकाए हुए खाने को सबसे पहले व्रती खाती है और उसके बाद घर के लोग खाते हैं। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना का होता है। इस दिन व्रत करने वाले व्रती पूरे दिन व्रत रखती है। इस दिन न ही कुछ खाया और न ही कुछ पिया जाता है और गुड़ की खीर बनाई जाती है। इसी दिन छठी मैया के लिए प्रसाद के रूप में अनेक पकवान बनाए जाते हैं। तीसरा दिन संध्या अर्घ का होता है। यह पूजा का मुख्य दिन है और इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और नदी या तालाब में सूर्य को अर्घ देती हैं। चौथा दिन उषा अर्घ का होता है। इस दिन व्रती और अन्य लोग नदी के किनारे इकट्ठे होते हैं और फिर सूर्य को अर्घ देते हैं। फिर अंत में व्रती प्रसाद और कच्चे दूध के साथ व्रत खोलती है और इसी के साथ व्रत की समाप्ति होती है। अगर इतिहास की बात करें तो इसको मनाने के कई उल्लेख सामने आते हैं। पुराणों के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत रामायण के दौरान हुई थी। रावण का वध कर जब माता सीता और प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे तो माता सीता ने भी इस व्रत का पालन कर सूर्य देव को अर्घ दिया था। सूर्य पुत्र कर्ण ने भी पानी में घंटों खड़े रहकर सूर्य देव को अर्घ दिया और पांडवों की लंबी आयु और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए द्रौपदी ने भी सूर्य की पूजा की और उनकी उपासना की थी। तभी से छठ पूजा का महत्व हमारे भारतीयों के जीवन में बना हुआ है और बड़ी ही श्रद्धा के साथ जो भारतीय हैं वो छठ के पावन पर्व का व्रत रखते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। आगे की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एसीपी नेटवर्क। धन्यवाद।